नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार मंत्री तेज प्रताप यादव को फोन पर धमकी मिलने का मामला सामने आया, जिसका कनेक्शन औरंगाबाद से बताया गया। वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर फोन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या है गिरफ्तार युवक का कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में जहां पहले मंत्री जी के शोरूम में तोड़फोड़ हुई और फिर फोन पर उन्हें धमकी दी गई, दोनों घटनाओं का कनेक्शन औरंगाबाद से बताया गया। पूरे मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई तो मामला पुलिस के लिए सरदर्द बन गया और पुलिस मुख्यालय से मिले दबाव के बाद 24 घंटे के अंदर फोन करने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान कामा भिगवा निवासी सुनील कुमार मंडल के रूप में की गई है। बुधवार 19 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान उसने बताया कि वो आरजेडी विधायक का साला है। गिरफ्तार युवक सुनील का कहना है कि वो गो के आरजेडी विधायक भीम कुमार सिंह का साला है। वो आरजेडी का न सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता है बल्कि उसके परिवार की घनिष्ठता भी लालू परिवार से है। उसने बताया कि उसके पिताजी चंद्रदीप मंडल ने अपनी जमीन लालू द्वार बनाने के लिए दे दी, जिससे पूरे परिवार की जीविका चला करती थी। पूरी घटना का जिक्र करते हुए सुनील ने बताया कि 17 अप्रैल सोमवार को स्कूटी सर्विसिंग को लेकर एक युवक और उसके साथियों के साथ मंत्री तेज प्रताप के कामा बिगवा स्थित हीरो बाइक शोरूम लारा एजेंसी में झड़प हुई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी। घटना के बाद शोरूम के केयरटेकर ने सोमवार को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कामा बिगवा के निरंजन कुमार, विकास सिंह के अलावा 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। सुनील ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि घटना के बाद आरोपित के परिजनों ने मामले में माफी मांगते हुए समझौता करने की बात कही थी। इसी बात को लेकर उसने मंत्री तेज प्रताप यादव को मोबाइल पर फोन किया और बात की और सबको माफ कर देने का आग्रह किया था। इसके बाद धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एक दूसरी प्राथमिकी उस पर दर्ज करा दी गई थी। आगे सुनील का कहना है कि उसने विधायक के साथ साथ कई लोगों को फोन भी किया, लेकिन किसी ने ना तो उसका साथ दिया और ना ही उसकी मदद की। गिरफ्तार किए जाने के बाद युवक सुनील को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर फोन करने वाले को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार युवक ने खुद को निर्दोष बताया। जहां एक और आरोपी का कहना है कि घटना के बाद आरोपित के परिजनों ने मामले में माफी मांगते हुए समझौता कराने की बात कही थी और माफ कर देने का आग्रह किया था, वहीं दूसरी ओर दर्ज शिकायत में युवक पर जो आरोप लगे हैं वो अलग है। अब ये तो आगे की जांच में सामने आएगा कि कौन आरोपी है और कौन निर्दोष। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।